हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम अपनी सेकंड वीडियो जो है हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो आपके रोटर के टाइप होते हैं, वो आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टू टाइप्स के रोटर होते हैं। एक होता है आपका केज रोटर, एक होता है आपका वाउंड रोटर। वाउंड रोटर को आप स्लिप रिंग मोटर या स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा यही होगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द केज रोटर एंड द वाउंड रोटर इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो मैं आपको बारी बारी से इनको बताता हूँ कि आपका पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द केज रोटर के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाउंड रोटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अगर केज रोटर दिखा दूँ, तो ये जो आपका, ये जो मैंने इसका सर्किट डायग्राम कह सकते हैं, आप जो फिगर बनाई है, ये जो फिगर होती है आपकी केज रोटर की होती है। तो आपको इन टॉपिक्स को, जो मैंने आपके पॉइंट्स लिखे हैं, इनको समझने से पहले आपको, जो मैं आपको फिगर में बता रहा हूँ, पहले आप उसको डीपली समझें। ये जो आपका केज रोटर होता है, कुछ केज टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मीन्स ये जो आपका जो कोर है, ये जो हार्ड कोर बना रखा होता है, इसके ऊपर आप जो है बार्स डालते हैं एल्यूमिनियम की या कॉपर। इसके अंदर वाइंडिंग नहीं की जाती। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं कॉपर के और एल्यूमिनियम के बार्स। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मैंने इधर लिखा भी है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बार्स आर यूज्ड इन केज रोटर ऑफ द सिंगल थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो जो हमने ये जो करे हैं, ये बार्स डाले गए हैं। बार्स में क्या होता है कि आपका एंड्रिंग के थ्रू उनको शॉर्ट किया जाता है। आपने अनइंसुलेटेड बार्स डाले हैं। अनइंसुलेटेड मींस कि इंसुलेटेड नहीं होते। आपका जो रोटर का कोर होता है, कोर के ऊपर आपके आउटर पेरिफेरी में स्लॉट्स बन रखे होते हैं। आउटर पेरिफेरी के अंदर स्लॉट्स जो होते हैं, उसके अंदर हम ये बार्स को पुट करते हैं। और ये बार्स जो होते हैं आपके, जो आपकी शाफ्ट है, इसके पैरेलल ही नहीं होते, हल्के से टिल्ट होते हैं। टिल्ट होने का फायदा ये है कि जो आपकी मोटर की नॉइस है वो कम हो जाती है, और जो आपका आपकी जो आपकी मोटर रुक जाती है, आपकी स्टेशनरी कंडीशन में आ जाती है, अगर पोल्स मैच का हो जाते हैं तो जिस वजह से कि जो आपका रोटर जो है आपका स्टेशनरी आ जाता है, या आप कह सकते हैं कि लॉकिंग प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देती है आपकी ये जो टिल्टेड, आपके नॉट पैरेलल जो होते हैं आपके शाफ्ट से, जो आपके बार्स होते हैं पैरेलल ही नहीं होते। इनका रीज़न यही है कि जो है नॉइस कम कर सकते हैं, नॉइस कम कर देते हैं, और आपकी जो लॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मोटर होती है उसे भी रिड्यूस कर देते हैं। ये जो आपके बार्स होती हैं, इनको एंड्रिंग के थ्रू, एक एंड्रिंग आगे लगाई जाती है, एक एंड्रिंग बंद में लगाई जाती है, इसके थ्रू ये शॉर्ट कर देते हैं। मीन्स कि जो अगर आप इसके कोर को हटा दें तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह का केज टाइप में मिलेगा। तो इसीलिए इस रोटर का नाम कहते हैं हम केज रोटर, जिसमें एक स्टेटर होगा, ये आपका शाफ्ट होगी। तो इसीलिए हम इस रोटर को कहते हैं केज रोटर। तो केज रोटर का हमारा पहला पॉइंट ये लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल लेमिनेशंस कोर विद स्लॉट्स। अब क्या होता है कि जो इसका आपका जो ये है कोर है, ये सिलेंड्रिकल है, आप सिलेंड्रिकल शेप में देख रहे हैं, और जिसके आउटर पेरिफेरी में स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स कंटेन अनइंसुलेटेड बार्स और वी से द कॉपर और द एल्यूमिनियम बार्स। जो आपके कॉपर के, जो एल्यूमिनियम के बार्स होते हैं वो यूज़ करते हैं हम इसके आउटर पेरिफेरी में स्लॉट्स के अंदर आपको कॉपर के बार डाले जाते हैं। ये जो बार हैं ये पैरेलल नहीं होते शाफ्ट के, ये हल्के से टिल्ट होते हैं। टिल्ट होने का फायदा मैंने अभी आपको बताया कि इससे नॉइस कम हो जाती है, और दूसरा आपका ये जो लॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मोटर होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब बार्स एंड द शॉर्ट सर्किटेड बाय द एंड्रिंग्स। अब क्या होता है कि आपको सर्किट कंप्लीट होने के लिए, आपका सर्किट, अगर आपको करंट फ्लो कराना है किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसका सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है। अब क्या होता है कि आपने बार्स डाल दिए, या आपने बार्स तो लगा दिए, तो इनके अंदर आपका जब फ्लक्स कट होगा, थ्री फेज फ्लक्स कट होगा, तो EMF तो इंड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए आपको सर्किट कंप्लीट चाहिए। तो इनको जो सर्किट कंप्लीट करते हैं हम, इसको एक एंड्रिंग के थ्रू हम शॉर्ट कर देते हैं। एंड्रिंग क्या होती है, आपकी एक रिंग टाइप में होती है, वो आपके इन सारे कंडक्टर्स जो भी आपने बार्स डाले उनको टच करती हुई जाती है, और ये सब जो है शॉर्ट हो जाता है। ब्रशिंग एंड द स्लिप रिंग आर नॉट यूज इन केज रोटर, और भी सेड द एबसेंट इन द स्लिप, ब्रशिज एंड द स्लिप रिंग आर एबसेंट इन केज रोटर। जो आपके ब्रशेज और द स्लिप रिंग होती हैं वो हम इस रोटर के अंदर यूज़ नहीं करते, और जो एफिशिएंसी होती है इसकी बहुत हाई होती है, ईजी कंस्ट्रक्शन होती है। आप देख रहे हैं इसमें कोई आपकी वाइंडिंग नहीं होती, आपके बस आपको बार चाहिए और आपका एंड्रिंग चाहिए, आपका रोटर तैयार हो जाता है। तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है एज कम्पेयर टू द वाउंड रोटर, द स्लिप रिंग रोटर, ये ईजी रहती है। कॉस्ट भी इसकी लो है, इसके अंदर वाइंडिंग नहीं है तो कोई खर्चा भी नहीं आएगा आपका, कोई डैमेज भी जल्दी नहीं होती रोटर। द स्टार्टिंग टॉर्क इज नॉट गुड, बट इसका जो डिसएडवांटेज है आप कह सकते हैं, जो इसकी स्टार्टिंग टॉर्क आती है वो गुड नहीं होती एज कम्पेयर टू द वाउंड रोटर। और जो इसका आई स्क्वायर आर लॉस भी होते हैं वो भी लेस होते हैं। आई स्क्वायर आर लॉस मीन्स कि आपने वाइंडिंग तो करी नहीं, आपने बार्स यूज़ करें, वाइंडिंग नहीं करी है, तो आपका रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो आपके आई स्क्वायर आर लॉसेज, आप कह सकते हैं कॉपर लॉसेज, वो बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द स्लिप रिंग रोटर। और जो आपके 95% जो मोटर्स होती हैं आपके इंडस्ट्रीज में, वो केज रोटर पर वर्क करती हैं। केज रोटर पर वर्क करने का फायदा यही है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ईजी है, और कॉस्ट भी कम है, और क्या बोलते हैं इसका आई स्क्वायर आर लॉसेज भी कम होते हैं, और ये जो है मजबूत होता है। आप कह सकते हैं कि 10th पॉइंट इसका रोबस्ट, मतलब कि ये मजबूत होता है।
तो ये होते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस ऑफ द केज रोटर। अब मैं बात करता हूँ आपको स्लिप रिंग मोटर के बारे में, उससे पहले भी मैं आपको दूसरी फिगर दिखा देता हूँ स्लिप रिंग मोटर की। तो ये जो मैंने आपकी जो फिगर दिख रही है आपको स्लिप रिंग मोटर की दिख रही है, ये क्या है इसका, अगर हम थ्री फेज मोटर की बात करें तो थ्री फेज ही लेकर चलेंगे। हमने स्टेटर के अंदर थ्री फेज की इनपुट दिया, स्टेटर ये आपके रोटर वाइंडिंग है जो हम रोटर के अंदर वाइंडिंग करते हैं इन वाउंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर। तो रोटर जो आपका रोटर होता है उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, इसमें कोई बार्स नहीं यूज किए जाते। अभी जो आपकी वाइंडिंग की जाती है ये आपके जो शाफ्ट होता है उसके ऊपर एक जो आपका ये आप मान लीजिए मैं आपको सेकंड फिगर बना के दिखाऊँ, ये आपका रोटर, ये आपकी शाफ्ट। तो ये जो आपकी शाफ्ट है इसके ऊपर तीन एंड रिंग्स लगाई जाती हैं, स्लिप रिंग लगाई जाती है। स्लिप रिंग मीन्स कि आपके जो रोटर है इसके थ्रू रोटेट कर सकता है। आपकी जो सप्लाई दी जाएगी हम स्लिप रिंग पे देंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपके तीन इनपुट गए शाफ्ट के ऊपर, सीधे स्लिप रिंग के ऊपर इसके जो तीन वायर निकल लेंगे, थ्री फेज की वाइंडिंग करी जब हमने इसके अंदर, तो थ्री वायर बाहर आएंगे, तो तीनों वायर एक एक स्लिप रिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। स्लिप रिंग के थ्रू इस पर इनपुट दिया जाता है, तो उससे क्या होती है आपकी जो रोटर की कॉइल होती है वो एक्साइटेड होती है। ये देखिए आप, ये जो मैंने शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग के थ्रू मैंने इनपुट दिया, ये आपका रन और स्टार्ट कंडीशन में ये रेजिस्टेंस है, स्लिप रिंग के थ्रू मैंने इनपुट दे दिया इसके शाफ्ट पर, तो आपका जो है रोटर के साथ स्टेटर के साथ आपका रोटर में भी एक्साइटेशन हुई है, तो आपकी मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर दी। तो अब अगर मैं इसके अगर पॉइंट्स की बात करूँ, वाइंडिंग इज डन ऑन द रोटर एंड स्लिप रिंग इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट। अब क्या होता है कि जो आपकी वाइंडिंग की जाती है वो रोटर के ऊपर की जाती है इस कंडीशन में। केज रोटर में हम बार्स यूज करते थे, बट स्लिप रिंग मोटर्स के अंदर हम वाइंडिंग करते हैं। स्लिप रिंग आर कनेक्टेड विद द थ्री फेज वाइंडिंग एंड वाइंडिंग इज नॉट परमानेंटली शॉर्ट सर्किट। हम केज रोटर में क्या करते थे कि एंड रिंग के थ्रू उसे शॉर्ट कर देते थे, बट स्लिप रिंग के केस में क्या करते हैं, उसकी जो वाइंडिंग होती है शॉर्ट सर्किट नहीं होती, उसको हम सेपरेटली मीन्स कि आपकी सिंगल वाइंडिंग, सेकंड वाइंडिंग, थर्ड वाइंडिंग जो सेपरेटली उनको तीन इनपुट दिए जाते हैं फेज वाइंडिंग, जो आपके फेज वाइंडिंग के थ्रू हम रोटर को भी एक्साइट करते हैं। उसके अंदर हम कोई एक्साइटेशन नहीं देते थे, बस एंड रिंग के थ्रू शॉर्ट कर देते थे। ब्रशेज एंड द स्लिप रिंग आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ द रोटर। इसके अंदर क्या होता है कि आपके ब्रशेज स्लिप रिंग होती है उनके ऊपर तीन ब्रशेज लगे होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। तो ब्रशेज एंड द स्लिप रिंग आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ द रोटर। जो इसकी स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो वेरी गुड होती है एफिशिएंसी, बट इसकी हाई नहीं होती एज कम्पेयर टू द केज रोटर। एफिशिएंसी इज नॉट बेटर इन वाउंड रोटर एंड द स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू द केज रोटर। तो कॉस्ट होती है इसकी हाई होती है। कॉस्ट के ऊपर बात करें तो हाई क्यों होती है, हाई होने का इसका रीजन ये है कि हम इसके अंदर वाइंडिंग करते हैं। अब वाइंडिंग अगर आपकी खराब हो जाती है तो आपको दिक्कत आ जाती है, बट केज रोटर के अंदर हमारी कोई वाइंडिंग नहीं होती थी, बस बार्स लगते थे। बार्स भी आपके कॉपर एल्यूमिनियम के होते हैं, वो एक बार अगर स्लॉट्स के अंदर डाल दिए तो परमानेंटली एंड रिंग के थ्रू शॉर्ट कर देते हैं। तो इसमें आपकी जो केज रोटर होता है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता एज कम्पेयर टू द वाउंड रोटर, क्योंकि इसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग खराब हो सकती है अगर उसके अंदर ज़्यादा करंट आ जाए। तो जो आपका ये होता है कि हाई कॉस्ट हो जाती है, इसकी कॉस्ट इज हाई, डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। अब वही रीज़न वही रहेगा इसका भी कि जो आपकी वाइंडिंग है थ्री फेज वाइंडिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। आई स्क्वायर आर लॉसेज वेरी हाई। अगर वही रीज़न सेम दोबारा कि आपके जो आप इसमें अगर वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके आई स्क्वायर आर लॉसेज और कॉपर लॉसेज बहुत हाई हो जाएंगे। स्पीड कंट्रोल बाय द रोटर रेजिस्टेंस इज पॉसिबल। अब स्पीड कंट्रोल ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस बाय पॉसिबल मीन जो आपकी जो मोटर्स होती हैं उनके कुछ ना कुछ मेथड होते हैं, उनको स्टार्टिंग मेथड्स भी होते हैं, कुछ स्पीड कंट्रोल मेथड भी होते हैं। उसी में से एक मेथड है आपका स्पीड कंट्रोल रोटर। स्पीड कंट्रोल रोटर मेथड जो होता है आपका स्लिप रिंग मोटर के अंदर वो हम यूज कर सकते हैं, बट केज रोटर के अंदर हम स्पीड कंट्रोल रोटर मोटर स्पीड कंट्रोल रोटर रेजिस्टेंस नॉट पॉसिबल। तो वाउंड रिंग के अंदर हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें स्लिप रिंग के थ्रू हमको तीन एक्साइटेशन सेपरेटली दिए जाते हैं वो भी आपका, तो आप अपने हिसाब से अपने रोटर को मोशन मीन्स के आपके अपने रोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इन वाउंड रोटर और द स्लिप रिंग रोटर। कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो रीज़न वही रहेगा इसका भी कि आपके वाइंडिंग यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं और आपके इसके अंदर स्लिप रिंग ब्रशेज ये सब यूज़ किए जाते हैं, तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू द केज रोटर। तो बेटर रोटर जो होता है आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आपका केज रोटर होता है, बट अगर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें अपना रोटर डिज़ाइन करना होता है, कहीं हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, कहीं हमें लो चाहिए, कहीं एफिशिएंसी हाई चाहिए, तो अपने हिसाब से अपने मोटर होते हैं। बट 95% ऑफ द रोटर यूज्ड केज रोटर। केज रोटर क्यों यूज़ करते हैं कि इसके अंदर जो लॉसेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इजी टू कंस्ट्रक्ट और लो कॉस्ट होता है, तो इसके एडवांटेज ये होते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द केज रोटर एंड द वाउंड रोटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस सीरीज को फॉलो करें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्लिप क्या होती है आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से ये सब देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।